हेलो दोस्तों, आज हम ये सीखने वाले कि इंग्लिश कैसी बोली जाती है। मतलब आप सभी लोग चाहते हो ना कि आपको फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश में, तो फ्लुएंसी तभी आएगी जब हमें उस लैंग्वेज की अच्छे से प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस कब होगी हमें? जब हम रेगुलर यूसेज में वो लैंग्वेज हमेशा लाएंगे। तो आज तरीका देखते हैं कि अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहिए तो किस प्रकार से हमें सीखना चाहिए। लेकिन सबसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि भाई इंग्लिश सीखे कैसे, हमारी शुरुआत ही यहाँ से है, तो फ्लुएंसी तो बहुत आगे की बात है। तो आइए, सबसे पहली मेथड जो इंग्लिश सीखने की है वो है सर्वाइवल इंग्लिश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर्वाइवल इंग्लिश है क्या। मैं आपको बताता हूं, सर्वाइवल इंग्लिश मतलब ऐसी इंग्लिश है कि आप आपके ग्रुप में बैठे हो, आप आपके फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, और आपके फ्रेंड्स में या फिर आप जो भी ग्रुप में बैठे हो उस ग्रुप में जो डिस्कशन हो रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है। तो अभी जो आपसे सवाल जवाब हो रहे हैं, जो आपसे सवाल हो रहे हैं उसका आप जवाब दे रहे हैं, वो इंग्लिश में होना बहुत जरूरी है। तो आप कैसे तो भी मैनेज करके बोल पा रहे हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला इंसान आपको इंग्लिश में क्या पूछ रहा है, या फिर सामने वाला इंसान आपसे इंग्लिश में क्या डिस्कस कर पा रहा है। तो इसको कहते हैं सर्वाइवल इंग्लिश। तो ये इंग्लिश कैसे आती है, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। आपको एक उदाहरण के तौर पे एक स्टोरी बताता हूँ। दो बच्चे, तो ये दोनों भी बच्चे एक ही स्कूल में, लेकिन ये दोनों भी बच्चे जो एक स्कूल में है सेम कक्षा में, उसमें से एक बच्चा आया हुआ है यूके से और एक बच्चा है हमारे देश से। अभी जो इसमें से हमारे देश का बच्चा है उसको अगर प्यास लगी है तो वो कहेगा पानी चाहिए, और जो यूके से आया हुआ बच्चा है उसको अगर प्यास लगी है तो वो कहेगा आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। और ये दोनों भी बच्चे हैं, ना इन्होंने ग्रामर सीखा है, ना इन्होंने कोई बुक पढ़ी है, ना इन्होंने कोई क्लासेस ली है कि इंग्लिश कैसी बोली जाती है। और आप यहां पे देख पाएंगे कि जो यूके से आया हुआ बच्चा है वो जो इंग्लिश बोल पा रहा है उसको सर्वाइवल इंग्लिश कहते हैं, वो भी इतनी कम उम्र में। तो उसने ये इंग्लिश सीखी कैसे? या फिर जो हमारे देश का जो बच्चा है वो जो हिंदी बोल पा रहा है उसने ये हिंदी सीखी कैसे? तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि सुन के सीखी है। तो कोई भी भाषा हो, आपको अगर वो सीखनी है तो उसके सर्वाइवल लेवल तक भाषा आप एकदम अच्छे से सुन के सीख सकते हैं। एक बार आपने भाषा सुन ली, सीख ली, जान ली, समझ ली, फिर उसके बाद पिक्चर में आता है ग्रामर। और फिर ग्रामर बहुत जरूरी है, लेकिन कब? सर्वाइवल इंग्लिश आने के बाद आप ग्रामर की तरफ जाइए। तो बेसिकली आपको सर्वाइवल इंग्लिश सुन के सीखनी है। तो इसलिए बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। इंग्लिश आपको सुन के सीखनी है सर्वाइवल लेवल तक, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश सॉन्ग सुनने पड़ेंगे, इंग्लिश स्टोरीज सुननी पड़ेंगी, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सुनने पड़ेंगे। कंटिन्यू सुनो, देखो, इंग्लिश मूवीज हैं उनको सुनो, सबटाइटल्स जो सामने दिखते हैं उनको पढ़ते हुए उनको सुनने की कोशिश करो, और इस तरीके से आप सर्वाइवल इंग्लिश आराम से सीख जाएंगे। तो आज के टॉपिक में ये था कि सर्वाइवल इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं और ये क्यों जरूरी है।
और ये बात अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए कि सर्वाइवल इंग्लिश के लिए ग्रामर जरूरी नहीं है, बस आपका कंटिन्यूस उस एनवायरनमेंट में रहना जरूरी, या फिर आपको कंटिन्यूसली इंग्लिश का जो मटेरियल है उसको सुनना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको सर्वाइवल इंग्लिश बहुत अच्छे से आएगी। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।